गुड आफ्टरनून गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब, एक बार फिर से आपका नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो गाइज आज है संडे और अभी बज रहे हैं 1:30, तो मैंने सोचा क्यों ना आज भी चलते हैं एक ब्लॉग बना लेते हैं। तो आज वापस मैं जाने वाला हूं दुबई के एक बीच पे, दूसरे बीच पे, जो कि है मरीना बीच। तो आज मैं अकेले ट्रैवल करने वाला हूं, मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा है बीच, मरीना बीच, और वहां का व्यू दिखाता हूं, कैसे जाते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं वीडियो में देता हूं। तो चलिए गाइज बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज ऐसा कुछ है यहाँ पे आज आफ्टरनून का व्यू, और वो रहा बुर्ज खलीफा। तो गाइज मैं हूँ बुर्जुवन मेट्रो में, और यहाँ से हमें एक्सपो 2022 की ट्रेन लेनी है, जहाँ से हम उतरेंगे DMCC। आप देख सकते हैं हम DMCC मेट्रो स्टेशन पे आ चुके हैं। अब यहाँ से हमें ये वॉकिंग लेके नीचे मेट्रो स्टेशन में से वो एग्जिट से बाहर निकलना है, और फिर वहाँ से हम चल के जाएंगे आगे बीच की तरफ। तो चलो चलते हैं नीचे, वो एग्जिट के बाहर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस देखिए हमें ये एग्जिट से बाहर निकलना है, वो है हमारा मेट्रो स्टेशन, और यहाँ पे ये है ट्रैम स्टेशन। अब इस साइड हमें स्ट्रेट चल के जाना है, तो चलो चलते हैं। ये हमारी दुबई की ट्रैम। वहाँ से स्ट्रेट से चल के आए, वहाँ से आए और फिर यहाँ पे स्ट्रेट आ गए ब्रिज की तरफ। अब यहाँ पे कुछ लोग फोटो शूट कर रहे हैं, और हमें ये स्ट्रेट यहाँ से जाना है, वहाँ पे आप जाइंट व्हील देख रहे होंगे, वो झूला, वहाँ स्ट्रेट चल के जाना है। और ये है यहाँ का ब्लू वाटर कहते हैं इस एरिया को। तो ऐसा कुछ है यहाँ का व्यू, चलो चलते हैं फटाफट बीच में। ये हमारा फेमस यहाँ का ब्लाबला बीच क्लब इस खूबसूरत व्यू के साथ। यहाँ पे गाइज आपको ये बच्चे लोग के लिए छोटा सा पार्क मिल जाएगा, देखो बच्चे लोग झूला झूल रहे हैं, स्लाइडिंग्स हैं यहाँ पे। आज संडे है इसलिए आपको यहाँ पे रश दिख रहा है। तो गाइज मैं आ चुका हूँ इस समय मरीना बीच पे,
मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा बीच के व्यू, यहाँ पीछे एक नकली हेलीकॉप्टर है और मेरे पीछे वहाँ पे बीच है। यहाँ पे आप अगर सामने देखें तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना संडे। चलो चलते हैं बीच पे और नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फैमिली फुटबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं और आज संडे इसलिए पूरा बीच खचाखच भरा है। हम देख सकते हैं पूरा बीच भरा है, आगे तो आपको जगह ही नहीं मिलेगी। पीछे साइड जो भी थोड़ा बहुत खाली है, यहाँ पे आपको खाली फॉरेनर्स देखने मिलेंगे जो कि सनबाथ ले रहे हैं। बाकी इंडियंस तो खाली नहाने आते हैं, नहा के चले जाते हैं। दुबई मरीना बीच पे और आप रश देख ही सकते हैं कितना रश है और कैसा व्यू है संडे का। आप अगर यहाँ पे वेकेशन पे आए हैं तो आप नॉर्मल वीकडेज में आए तो आपको इतना रश नहीं मिलेगा, आप आराम से अपने फोटोज वीडियोज क्लिक कर सकते हैं। बाकी ऐसा है हमारा दुबई का मरीना बीच। हम यहाँ की गर्मी से बचते हैं, भागते हैं सनस्क्रीन लगा के। और ये फॉरेनर्स आप देखेंगे यहाँ पे तो ये यहाँ पे सनबाथ करते हैं, यहाँ पे आएंगे बीच पे नहाएंगे फिर सनस्क्रीन लगा के यहाँ पे थोड़ा सनबाथ करेंगे। चले चलते हैं आगे, थोड़ा व्यू देखते हैं, थोड़ा आगे चल के देखते हैं कैसा वहाँ का नज़ारा है, थोड़ा वहाँ से भी आपको सीन दिखाता हूँ। ये है फ्लाइंग कप, ये ऊपर लेके जाते हैं और वहां से व्यू दिखाते हैं आपको पूरे बीच का और फिर नीचे लेके आ जाएंगे। इसका अडल्ट का आई थिंक 180 दिरहम से और किड्स का 60 दिरहम है पर पर्सन। और वहां पे सामने आप देखेंगे तो दूर अटलांटिस दिखेगा आपको। तो गाइज आपको यहाँ पे जितनी भी वाटर एक्टिविटीज़ दिखेंगी ना, भले ही वो यहाँ पे वाटर एडवेंचर हो, ये देखें ये वाटर एडवेंचर हो या तो फिर आपको यहाँ पे जेट स्की हो, मिनी क्रूज हो, जो भी आपको वाटर एक्टिविटीज़ करनी है यहाँ पे आने के बाद, सारी वाटर एक्टिविटीज़ का काउंटर आपको यहाँ पे मिलेगा। लाइन से यहाँ पे सारे काउंटर्स मिल जाएंगे उनके, आप वहाँ जाके टिकट्स लेके वो वाटर एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हैं। ठीक सामने यहाँ पे लाइन से आपको बीच रिसॉर्ट्स, रेस्टोरेंट, होटल्स मिल जाएंगे छोटे छोटे और फॉर श्योर ये बहुत ही कॉस्टली होने वाले हैं बाहर के फूड्स को, फूड्स के मामले में। जो आपको बाहर कम में मिलेगा वो यहाँ पे प्राइस थोड़ी ज़्यादा चार्ज की जाएगी आपको। मैं बीच से बाहर आ चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा पानी की सुविधा की गई है हाथ पर धोने के लिए। यहाँ पे स्टॉल्स हैं खाने के लिए कुछ, यहाँ पे टॉयज वॉयज हैं, बीच के आइटम मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। और अगर आपको ये गाड़ी चलानी है तो इसका जो भी कॉस्ट है आप वो पे करें, टिकट लें और इसका मज़ा ले सकते हैं आप बीच पे।
गाइस देख सकते हैं, ये वेप की शॉप है, इलेक्ट्रिक सिगरेट। यहाँ पे आपको परफ्यूम्स मिल जाएंगे, यहाँ पे वो तुर्कीज फेमस आइसक्रीम। यहाँ पे आपको खाने पीने की चीजें, हमारी इंडिया की ऑटो रिक्शा। ठीक है, इस तरफ आएंगे ना तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी सुपर कार्स, जो कि इस वक्त यहाँ पे खड़ी है एस्टन मार्टिन, हमारी जेम्स बॉन्ड की फेवरेट कार। और यहाँ पे आपको सुपर कार का एक स्टॉल मिलेगा, आप यहाँ से जो भी सुपर कार अवेलेबल है उसको रेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कुछ 500 दिरहम्स फॉर 1 आवर रहता है यहाँ के सुपर कार्स का। यहाँ पे और एक खड़ी थी, वो शायद कोई लेके गया। ये स्टॉल है, ये देखिए यहाँ की दुबई की सिटी टूर बस है। अगर आप दुबई घूमने आ रहे हैं तो ये बस ज़रूर बुक करें, ये आपको जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं पूरे दुबई में, ये आपको पूरे स्पॉट्स पे घुमाएगी। तो गाइज़ मैंने उनसे पूछा अभी वहाँ पे जो खड़े हैं, उन्होंने कहा कि 280 दिरहम्स लगेंगे और वन डे वैलिडिटी रहती है टिकट की। 3 लाइन है, रेड लाइन, ब्लू लाइन और नाइट टूर है, वो तीनों आपको पूरे 280 दिरहम्स में पूरे दुबई में घुमा के आपको पिक एंड ड्रॉप जो भी लोकेशन दिया रहेगा वहाँ पे जाना है, आपको पिकअप करेंगे और घुमाने के बाद आपको वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो गाइस कुछ ऐसा था हमारा दुबई का मरीना बीच। आपको ये बीच कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। इस ब्लॉग को एंड करने से पहले आप लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगा, आप लोग जो इतना सपोर्ट और प्यार दिखाते हैं मेरे वीडियोस पे, जिससे हमारी फैमिली 5.4K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं अभी। तो गाइस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फटाफट इसी तरह वीडियो शेयर करें, वीडियो को प्यार और सपोर्ट देते रहें, ताकि हमारी 10K फैमिली हो जाए जल्द से जल्द। मैंने टारगेट रखा है, गोल सेट किया है कि 2023 में एनी हाउ मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर्स करने हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस पूरी जी जान लगा दो यार, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, और फटाफट हमने जो गोल सेट किया है वो फटाफट अचीव करते हैं। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे न्यू हो तो जरूर से जाके सब्सक्राइब करो। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।